इफ़ वन वेयर टू इमेजन हैवेन तो मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसा हो सकता है वेलकम टू इसल वर्ल्ड इन स्विट्ज़रलैंड जी हाँ दोस्तों ये वही जगह है जहाँ द लोकल अथॉरिटीज़ है सेल्फी टैक्स ड्यूरिंग समर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हाई नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट अराइव हेयर वैसे तो यहाँ समर में टूरिस्ट इंडिया चाइना यूके एंड अमेरिका से काफी आते हैं बट द पिक्चराइजेशन ऑफ अ पॉपुलर रोमांटिक साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज हैज़ लेड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ साउथ कोरियन टूरिस्ट अराइवल्स ड्यूरिंग समर इंडियंस तो यहाँ वैसे ही बहुत आते हैं बिकॉज ऑफ डी शाहरुख खान की पिक्चर द साउथ कोरियंस कम हेयर टू इसट वर्ल्ड वो जो नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है उसके कई सारे सीन्स व शॉर्ट हेयर इन इसल्ड अभी अप्रैल का महीना है द समर सीजन हैज नॉट स्टार्टड द समर सीजन विल स्टार्ट अराउंड मे जून और अभी जो है विंटर सीजन इज ऑल्सो ओवर द विंटर स्पोर्ट सीजन जो स्कीइंग सीजन होता है वो भी खत्म है विंटर में ऑफ कोर्स ज़्यादा एशियन टूरिस्ट नहीं होते हैं ज़्यादातर अमेरिकन एंड ब्रिटिश होते हैं जो यहाँ पर स्कीइंग एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं समर में ऑफ कोर्स ऑल द एक्टिविटीज़ मोस्टली यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं और लोग यहाँ पर साइट सीइंग के लिए भी आते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि स्कीइंग कहाँ होती है तो ये इसल वॉल इज़ एक्चुअली इन द इंटरलान एरिया जो इंटरलाकेन शहर है विच इट इज़ अबाउट ट्वेंटी मिनट्स फ्राम हेयर बाई कार तो ये जो सारे माउंटेंस हैं यहाँ पर यहाँ पर स्कीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड तो लोग यहाँ पर आते हैं और हफ्तों महीनों रहते हैं एंड फ्रॉम हियर दे टेक कार्स टू द वेरियस स्कीइंग लोकेशंस तो अभी ये जो अप्रैल का महीना है इट इज़ अ लल पीरियड मई जून से फिर जो है एशियन टूरिस्ट जो है हज़ारों में लाखों में दे विल स्टार्ट कमिंग हीर हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं क्योंकि हमने इसर्ड वर्ल्ड के बारे में काफ़ी सुना था For Abhi, there is a short Easter break. और क्योंकि हम लोग यहाँ लोकली स्विट्जरलैंड में रहते हैं दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर अस टू कम बिफोर द सीज़न स्टार्ट्स क्योंकि एक बार सीज़न शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जो होटल्स एंड एयर बी एन बीज हैं इनके रेट्स डबल ट्रिपल हो जाएंगे तो अभी हम लोग को ऑलमोस्ट वन थर्ड जो सीज़न रेट्स में हम लोगों को एयरबीएन भी मिला हुआ है अच्छा सा तो हम लोग यहाँ पर अब आए हुए हैं तीन चार दिन के लिए रहने के लिए एंड वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द रेस्ट ऑफ़ द इंटरलाकन एरिया दोस्तों मैं अभी अपने होटल के सामने खड़ा हूँ तो इस होटल में जो है अपार्टमेंट्स हैं तो ये जो मैं अभी ये पैन कर रहा हूँ ये है हमारा अपार्टमेंट बिल्कुल लेक फेसिंग अपार्टमेंट है और यहाँ पर ज़्यादातर जो होटल्स में ऐसे ही अपार्टमेंट हैं या एयर बी हैं क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो मोस्टली लॉन्ग स्टे टूरिस्ट होते हैं तो ये अपार्टमेंट्स जो होते हैं या एयर बी फुल्ली फर्निश्ड होते हैं यानी कि यहाँ पर जो किचन भी जो होता है उसमें सारी सुविधाएं होती हैं माइक्रोवेव अवन स्टोव कटलरी डिश वॉशर वॉशिंग मशीन तो मैं आपको कुछ इसल वॉल्ड के बारे में बताता हूँ यहाँ पर कोई ट्रेन कनेक्शन नहीं है बसेज़ हैं आर्ली बस सर्विस है और सेकेंडली यहाँ पर ऐसा कोई मार्केट नहीं है तो हम लोग ने भी जो हैं जो सुपरमार्केट से इंटरलाकन से हमने शॉपिंग की है हमने बेसिक ग्रोसरी सच एज फ्रूट्स एग्स अंडे दही वगैरह हम ले आए सो दैट वी कैन कुक वेन वी वॉन्ट हालांकि हमने यहाँ पर देखा है कि शाम को थोड़े से यहाँ पर फूड ट्रक वगैरह लगते हैं बट दे आर एक्सपेंसिव और खाना भी जो है ज़्यादातर मीट और नॉन वेजिटेरियन है सो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप अपना खाना ले आओ वहाँ सुपर मार्केट से आप खरीद के एंड देन यू कैन ईजिली मेक ओवर हीयर यहाँ ऑफकोर्स डे ट्रिप्स भी बहुत होते हैं खासकर समर टाइम में और हमें बताया गया है कि यहाँ पर बसेज बहुत आती हैं स्पेशली आजकल साउथ कोरियंस आते हैं बसेस में एंड हंड्रेड्स ऑफ बसेस कम ड्यू टू विच द लोकल्स आर एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी तो अभी हम जो है यहाँ का जो विलेज सेंटर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है जो कि हमने जब से आए तब से हमें बंद ही दिखी और फिर हम आगे जाके वो लेक ब्राइन्स है जहाँ पर द फेमस सेल्फ़ी पॉइंट इज़ अभी थोड़ा और आगे जाके लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये सारे अभी एयरबी हैं पर ये सारे अभी बंद हैं क्योंकि अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ है और ये जो है मई जून में ये सारे जो हैं फुल हो जाएंगे Until larkin is a three-hour walk okay. yeah. so these all look like uh, airbnb apartments स्विट्जरलैंड में ऐसे फाउंटेंस आपको कई दिखेंगे एंड दिस इज़ नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर एंड द वाटर इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स तो ये अंडरग्राउंड स्प्रिंग वाटर है एंड इट इज़ कंसिडर टू बी वेरी प्योर और हमने देखा है यहाँ पर जो मदर्स अपने छोटे छोटे बेबीज़ को भी ये पानी वाटर बॉटल में भर के पिलाती हैं एंड दोस्तों अभी वी आर नाउ जस्ट रीचिंग फेमस सेल्फी पॉइंट जहाँ पर ये साउथ कोरियंस यहाँ आते हैं और हमें बताया गया है ही कि यहाँ पर समर सीज़न में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती है दैट इज़ वाई द लोकल अथॉरिटीज़ हैव डिसाइडेड टू है प्राइस फॉर ईच सेल्फ़ी ये खास कर ये जो जहाँ पर आपने ये पियर देखा था अभी थोड़ा सा ग्लिम्स तो वहाँ पर जो है वो जो बोट आती है तो दैट अपेरेंटली इज़ मेन वहाँ पर कुछ एक बड़ा सीन शूट किया गया था तो वहाँ पर लोग खड़े हो हो के पियर अभी फिर से आप देखोगे तो पियर पर खड़े हो हो के लोग अपनी फ़ोटो लेते हैं विच इज़ नाउ चार्जेबल दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपने देखा होगा ये बिल्ली तो ये एक्चुअली स्ट्रे बिल्ली नहीं है ये जंगली बिल्ली नहीं है स्विट्जरलैंड में और खासकर यूरोप में बिल्लियाँ बहुत दिखती हैं स्ट्रे बिल्लियाँ पर एक्चुअली वो स्ट्रे नहीं होती हैं ये पालतू होती हैं पर बिल्ली लाइक कैट थोड़ी घुमक्कड़ होती है तो ये घर से निकल के ये इनको घूमने की आदत होती है तो आपको कुत्ते नहीं दिखेंगे कुत्ते जो है सारे घर के अंदर बंद होते हैं पर ये बिल्लियाँ घूमती हुई दिखती हैं एंड दीज आर ऑल पेट्स तो एक जो यहाँ पर रिवाज है जो हमें पता लगा वो ये है कि आपको जो है किसी बिल्ली अगर दिखे तो वन शुड नॉट गिव बिल्ली एनी फूड क्योंकि बिल्ली जो होती है इट इज़ नॉट लॉयल तो अगर आप उसको खाना देना शुरू कर देंगे तो फिर वो अपने मालिक को छोड़ के वो आपके पास आके बस जाएगी अभी मैं कासल की तरफ जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने इंटरनेट में पढ़ा है अपेरेंटली द कासल हैज़ बिन कन्वर्टेड इन टू होटल इंटरनेट कहता है कि अभी कासल बंद है बिकॉज द सीज़न हैज़ नॉट स्टार्टड बट कभी गूगल में अपडेट जो होते हैं सो आई एम होपिंग दट द कासल इज ओपन एंड मे बी देर इज अस कैफे वेर आई कैन सिट एंड कप ऑफ कॉफी सी विसल दोस्तों अनफॉर्चुनेटली द कासल वॉज क्लोज अभी एक लोकल बंदा यहाँ से पास करके गया एंड ही उसने भी मुझे बताया कि जो है अभी बंद है और कुछ हफ्तों में ये खुलेगा एनी वे आई डोंट माइंड द वॉक फ्रॉम द होटल एज यू कैन सी द वॉक इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल समटाइम्स द प्रोसेस इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन द एंड दोस्तों पैराग्लाइडिंग एंड स्काई डाइविंग आर वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स इन स्विट्जरलैंड और सामने ये जो पहाड़ देख रहे हैं दीज आर द काइंड ऑफ पॉइंट्स जहाँ से लोग छलांग लगाते हैं पर अभी जो है दीज माउंटेंस आर नॉट एक्सेसिबल बाय रोड केबल कार और इवन हेलीकॉप्टर क्योंकि अभी स्नो है और सड़कें जो हैं अभी बंद हैं बट इन अ फ्यू वीक्स टाइम ये सारे खुल जाएंगे और सारा जो ये आसमान सामने आपको खाली दिख रहा है इट विल बी फुल ऑफ पैराग्लाइडर्स और ये जो एरिया है दिस इज पर्टिकुलरली क्वाइट पॉपुलर फॉर स्काई डाइविंग एंड पैराग्लाइडिंग बिकॉज़ आर वेरी स्टीप एंड वेरी कंड्यूसिव फॉर सच स्पोर्ट हेलो हेलो दोस्तों दिस इज आवर थर्ड एंड फाइनल इवनिंग इन इसल्ट वर्ल्ड तो ये तीन दिन हमने यहाँ पर लोकल एरिया काफी एक्सप्लोर किया व आर ओन कार यहाँ के कुछ जो पॉपुलर एरियाज हैं लॉटर ब्रून ग्रिंडल वर्ल्ड थुन स्पेस ये सारे हमने एक्सप्लोर किए इंटरलाक कैन ऑल्सो वी वेंट कपल ऑफ टाइम्स बिकॉज वी हैव टू गेट ग्रोसरीज फ्राम देयर अभी यहाँ पर फेरी क्रूज शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी जो है सीजन शुरू नहीं हुआ है but hopefully during the summer we'll be able to come back here for a day trip to do a ferry cruise as well jo humne suna hai it's very beautiful yahan do lakes hain lake thun and lake bryans to dono mein se kisi bhi ek lake mein kar le it is supposed to be quite a nice experience on the ferries अब देखिए ये हमारे जो दाएँ को specially जो है ये सारे ये vegetable gardens जो है लोगों ने लगाए हुए हैं And this is a very nice experience, this walk. this is the view of the castle from our apartment window unfortunately here we are so hopefully some other time when we come i will be able to go and see and probably have a cup of coffee there